एक बहुत सुंदर एक वाक्या बताता हूँ आपको। मैं बॉम्बे गया था तो एक दंपत्ति मुझे लेने आए, थोड़े पति परेशान दिख रहे थे लेकिन पत्नी प्रसन्न थी। मैंने जानना चाहा, भाई साहब क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा सब लॉस हो गया। पत्नी ने तुरंत कहा कि नहीं, उनको लॉस नहीं हुआ है, इनको फ़ायदा हुआ है, ये तो नाहक परेशान हो रहे हैं। पता चला कि 10 लाख रुपए कहीं से मिलने वाले थे लेकिन 5 लाख ही मिले, 5 लाख नहीं मिले, इसका क्षोभ है उन्हें। और पत्नी इसलिए खुश थी कि जो बिल्कुल न मिलने वाले थे उनमें से 5 लाख मिल गए, इसका आनंद होना चाहिए था। लेकिन यही व्यवस्था हम सबके जीवन में है कि हम जब चीज़ों से इतना जुड़ जाते हैं तो हमें दुख व्याप्त होने लगता है। राग और द्वेष दोनों ही दुख के बड़े कारण हैं। आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक सेठ था, बड़ा सा, बहुत पैसे वाला था। वो एक घड़ी से बहुत प्रेम करता था, उसकी बाप दादाओं के ज़माने की घड़ी थी। उसने अपने लिविंग रूम में सबसे मुख्य जगह पर उस घड़ी को स्थापित किया हुआ था। एक बार जब वो घर आता है शाम को थका मांदा तो देखता है घड़ी नीचे गिरी है, टुकड़े टुकड़े हो गई है, उसका अंग अंग प्रत्यंग सब टूट कर बिखर गया है। वो नौकर को बुलाकर बड़ा तेज गुस्सा करता है कि तूने मेरे बाप दादाओं की इतनी महत्वपूर्ण संपदा को तोड़ दिया है। वो कहता है साहब मैं सफाई कर रहा था, इतने सालों से आपके पास हूँ, एक छोटा सा नुकसान हो गया तो क्या हो गया। तो मन न चाहते हुए भी उसे क्षमा करना पड़ता है। रात को रात भर नींद नहीं आती सेठ को, वो देखता है नौकर बड़े अच्छे से सोया हुआ है, उसको बड़ी गहरी नींद आ रही है। उसे दुख होता है कि जिसने घड़ी तोड़ी उसे बड़ी अच्छी नींद आ रही है, और जो घड़ी का मालिक था वो तो करवटे बदल रहा है, नींद नहीं आ रही। दूसरे दिन वो नौकर को बुलाकर कहता है कि भाई मैं जब कल दुकान पर गया था तो सोच रहा था ये मेरे बाप दादाओं की जो संपदा है मेरे लिए बड़ी कीमती है, ये मैं तुझे गिफ्ट कर दूँ। तूने इतने साल मेरी मदद की है, इतने साल सेवा की है, तो मैं सोच रहा था कल तुझे ऑफिस से घर आते ही, दुकान से घर आते ही गिफ्ट कर दूँ, लेकिन तो टूट गई। अब क्या कर सकते हैं? अब रात को सेठ बहुत आनंद से सोया और नौकर को नींद नहीं आई। देखिए फर्क हो गया ना, राग में फर्क हो गया। जब आप अपना मानते हैं किसी चीज़ को, उसके टूट जाने से, खो जाने से आपको दर्द व्याप्त हो जाता है, और जब आप उस चीज़ से, व्यक्ति से, किसी से भी अटैचमेंट खत्म कर देते हैं तो आपका दुख खत्म हो जाता है। इसलिए आपको अपने अटैचमेंट खत्म करना है। अटैचमेंट केवल वस्तुओं से नहीं, व्यक्तियों से भी खत्म करना है। सेवक प्रशांत भैया के प्रेरक प्रवचनों की पुस्तक एवं डीवीडी घर बैठे मंगवाने हेतु संपर्क करें 02946222222